सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं मानचित्रकार से काफ़ी संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूं, जहां से आप लोगों का मानचित्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैपिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में या फिर 12th दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैप कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आपको अतिलेखोत्तरीय प्रश्न भी उठाया जाता है। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहेंगे, एक एक करके इसका आंसर फिलहाल आपको बताते चलते हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सटीक जानकारी है, जिससे आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो फिलहाल इसको देखते हैं। यहां पर दिया गया वह स्थान जहां पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था, यानी कि जन्म लिए थे, तो वह स्थान का नाम है अयोध्या। ठीक है, अभी आपको मैप में अयोध्या कहां है, अगर आप लोग ढूंढ सकते हो ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा मैपिंग है। ठीक है, यहां पर इसका सभी का स्थान का नाम मैप में आपको शो करके मैं दिखा दूंगा। और दिया गया यहां पर दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और मैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, बुद्ध गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस स्थान का नाम है बोध गया। दूसरा है वह स्थान जहां महावीर प्रसाद स्वामी का जन्म हुआ था, तो वह है कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर प्रसाद स्वामी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तो यह स्थान का नाम है मथुरा। ठीक है, अभी मथुरा काफी लोगों को पता भी होगा। वह स्थान जहां महाभारत युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। अभी हमें लगता है कि काफी लोगों को नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला है। वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है, वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा से काफी सारे क्वेश्चन कभी मतलब बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ पर देखेंगे वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी पैदा हुए तो पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित। ठीक है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो है अजमेर है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, तो वह है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अगला देख लेंगे, यहाँ पर दिया गया वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी और भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ दशावतार विष्णु मंदिर स्थित है, दशावतार विष्णु मंदिर जो स्थित है वह कहाँ है, उस स्थान का नाम है देवगढ़ ललितपुर। ठीक है, देवगढ़ ललितपुर में यह स्थान स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो वह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है, निर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर इसका होगा कुशीनगर। अगला देखेंगे, वह स्थान से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, उस स्थान का क्या नाम है, तो मेरठ से हुआ था। ठीक है, ये जो है मेरठ से हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो ये सब आप लोग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग सोशल साइंस हो या फिर किसी सब्जेक्ट हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, वह स्थान अगर जो भारत का पेरिस तथा गुलामी नगर कहलाता है, तो यह है जयपुर। ठीक है, गुलाबी नगर है, तो यहाँ पर गुलामी लिखा गया, लेकिन गुलाबी नगर का, गुलाबी नगर से जयपुर को जाना जाता है, तो यहाँ पर गुलामी नगर लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, तो वह अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है। वह स्थान जहाँ शासक हैदर अली था, शासक हैदर अली जो था वह है मैसूर, मैसूर में शासक हैदर अली था। उसके बाद अगला है, महाराष्ट्र के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गुप्तकालीन चित्रकाल के लिए विख्यात गुफाएं हैं, तो वह है अजंता, अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के उस स्थान का नाम जहाँ गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्वविख्यात गुफाएं हैं, तो अजंता में है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह स्थान जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, तो वो भी कोलकाता में हुआ था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं,
अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे वह स्थान जहाँ, ठीक है, वह स्थान जहाँ जैन मंदिर बना है, जैन मंदिर माउंट आबू, ठीक है, राइट आंसर होगा माउंट आबू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 23 प्रश्न अभी तक करा चुका हूँ, आगे आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह स्थान जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, वह स्थान जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है तो वह है रायपुर, ठीक है, रायपुर आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, वह स्थान जो उत्तराखंड की राजधानी है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वह स्थान जहाँ चंदेल राजाओं ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाए, ठीक है, तो वह है खजुराहो, ठीक है, खजुराहो, खजुराहो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वह स्थान जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर है अजमेर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमें लगता है पता होगा। और वह स्थान जहाँ भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोशल साइंस में काफ़ी बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वह स्थान जहाँ सिक्कों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, सिक्कों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, सिक्को नहीं फ्रेंड, सिक्खो है, ठीक है, सिक्खो का स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क और इलाहाबाद में ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे ऐसे साथ साथ आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर अभी तक 31 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो यह है मुंबई, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, तो नई दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, वह स्थान जहाँ कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, तो वह है खजुराहो, ठीक है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। और 35 नंबर का क्वेश्चन आपको फिलहाल बता रहे हैं यहाँ पर, वह स्थान जहाँ मोती मस्जिद स्थित है, तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, ठीक है। वहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, वह स्थान जहाँ सैकड़ों लोग ऐतिहासिक आनंद भवन देखने जाते हैं, तो सैकड़ों लोग ऐतिहासिक आनंद भवन देखने जाते हैं, तो इलाहाबाद में जाते हैं, ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद वह स्थान जहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है या फिर स्थापित किया गया था, तो है अड्यार, ठीक है, अड्यार हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे, उसको फ्रेंड्स देखेंगे, वह स्थान जहाँ शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो नई दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगला जो है आपका 39 नंबर का, वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो लखनऊ में किया था। और उसके बाद वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तो ये मुंबई में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका, वह नगर जहाँ गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कलकत्ता में होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा, गांधी जी यहाँ पर देख रहे हैं सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इस तरह से पूछेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 1920 में पारित हुआ था, तो ये सन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न जो 42 नंबर का है, वह स्थान जहाँ नाना साहब, ठीक है, नाना साहब ने 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय अधिकार कर लिया था, तो कानपुर में किया था, ठीक है। और 43 नंबर है, वह नगर जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, तो उज्जैन में है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न जो 43 नंबर है, वह नगर जहाँ ये तो हो गया, ठीक है, 44 नंबर है, वो दो राज्यों की राजधानी है, तो दो राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है, राइट आंसर यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। अगर पूछता है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक नंबर में पूछ सकता है और दो नंबर में भी पूछ सकता है, तो ज़्यादातर विकल्प में पूछे जाते हैं और आपके मैप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और अगला देखेंगे 45 नंबर, वह स्थान जहाँ बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और मुगल वसा के बीच संधि हुई थी, तो वो इलाहाबाद में हुई थी। और जो अगला प्रश्न है, जो दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, जो दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता जो थी वो ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले थी अंग्रेजों के शासन में, ठीक है। और अब यहाँ पर अब नई दिल्ली हो चुकी है भारत की राजधानी। उसके बाद देखेंगे, वह नगर जहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है अगला,
वह स्थान जहाँ गुजरात की राजधानी है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, वाराणसी में किया था। और उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ का मेला आयोजित होता है, इन हरिद्वार में होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वह स्थान जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, ठीक है। और अगला है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का शासन था वह झांसी में था उनका शासन। और अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था, तो दांडी में किया था नमक कानून को भंग। मौर्य की राजधानी है, मौर्य की राजधानी पटलिपुत्र है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे और भी प्रश्न है, देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, जो 59 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और वह नगर जहाँ 1873 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुआ था। वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन भूगोल में पूछे जाते हैं, ये सभी, और ज़्यादातर मतलब सोशल साइंस के क्वेश्चन है, तो कभी काल पूछ लिए जाते हैं, समाजशास्त्र में भी आते हैं, ठीक है। वह स्थान जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, उड़ीसा में है। और वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है, लखनऊ। और अगला देखते हैं, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक ठीक है, हाँ दिख रहा है। वह नगर जहाँ भारतीय थल सेना का मुख्यालय है, दिल्ली। वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, मुंबई में है ये। वह नगर जहाँ गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता हुआ था, पुणे में हुआ था। वह स्थान जहाँ गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। वह नगर जहाँ तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, पुदुचेरी भी इसे कहते हैं, का सम्मिलित उच्च न्यायालय है, तो चेन्नई में है यह। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह स्थान जहाँ जहाँ दिल्ली से पहले ब्रिटिश ने भारत में राजनीति थी, तो कोलकाता में थी, ठीक है। वह स्थान जो रानी लक्ष्मीबाई के राज्य की राजधानी था, तो झांसी था। वह स्थान जहाँ लाल किला है, दिल्ली में है लाल किला। और आगे देखते हैं, तो अगला जो आपका है, वह नगर जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। वह नगर जहाँ रामकृष्ण दास मिशन की स्थापना हुई थी, वेल्लूर में हुई थी। तो यहाँ तक फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे प्रश्न कराए हुए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद मुझसे कोई दिक्कत हो या फिर कोई गलती हुई हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे अगले वीडियो में हम इसका सुधार कर लें। और आप लोगों को और भी किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, इसका मैप वीडियो भी आएगा, तो आप लोग देख लीजिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और वीडियो लेकर।